बता दें, हाथरस जिले के थाना कोतवाली सिकंदरा राव क्षेत्र के तहसील सिकंदरा राव के परिसर में मंगलवार को आयोजित किए गए तहसील समाधान दिवस के समाप्त होने के बाद तहसील परिसर से बाहर निकले तीन लेखपाल सौरभ कुमार, प्रेम शंकर व नवनीत कुमार पर 8 दबंगों ने जानलेवा हमला बोलते हुए दबंगों ने तीनों लेखपालों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। दबंगों द्वारा लेखपालों के साथ की गई मारपीट में लेखपाल सौरभ कुमार व प्रेम शंकर के सर में चोट आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट में घायल हुए दोनों लेखपालों को साथी कर्मचारियों ने उपचार के लिए सीएससी सिकंदरा राव में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि तहसील सिकंदरा राव से मूल निवास प्रमाण पत्र न बनने पर गुस्साए दबंगों ने लेखपालों के साथ मारपीट की। वहीं इस पूरे मामले में मारपीट में घायल हो गए दोनों लेखपालों ने रविंद्र हरेंद्र व पुत्र सत्येंद्र, रजनेश पुत्र रमेश, शशांक पुत्र करुण निवासी गण हुसैनपुर, रतनपुर व साहित्य शर्मा पुत्र रमाकांत निवासी टिकरी खुर्द थाना सिकंदरा राव को नामजद करते हुए तीन तीन अज्ञात के खिलाफ थाना कोतवाली सिकंदरा राव पुलिस को मारपीट करने और सरकारी अभिलेखों को फाड़ने के मामले में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। तहसील के तीन लेखपाल प्रेम शंकर, सौरभ यादव और नवनीत कुमार पर रणेंद्र प्रताप निवासी नल्ला निवासी हुसैनपुर और इनके कई साथियों ने ईंट पत्थर और अन्य हथियारों के साथ में हमला कर दिया। प्रेम शंकर और सौरभ यादव को ज़्यादा चोटें आई हैं। चोट लगी है। इन तीनों का सिकंदरा राव सीएचसी में इलाज किया गया और सौरभ यादव को अलीगढ़ रेफर किया गया। सभी उद्दंड प्रवृत्ति के आदमी रणेंद्र प्रताप और कई लोग इन सबके नाम से अपनी FIR कराई जा रही है। नाम आपका? सौरभ। पिताजी का नाम? मोल्ला। आप क्या है? क्या बात हो गई थी? कोई बात नहीं थी, उसके बारे में मूल निवास के लिए आया था, किसी दूसरे क्षेत्र का था। कम डॉक्टर से उसकी झड़प हुई है जिसमें हमने उसे 20 हज़ार करके उसको वहाँ से भगा दिया था। उसके बाद वो हमारे पास आए, 6-7 लोगों को लेकर। हम लोग खड़े हुए थे, पीछे से हमला किया, पीछे से हमला हुआ है। उसके बाद दो लोगों को मैंने बुला ली था, पर दो संख्या बन जाता था, इसलिए बाकी